तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे गाइस आपको पता ही है कि पबजी का अपडेट आया है, जो कि गाइस 1.3 अपडेट है। उसके अंदर यार बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि गाइस मैप डाउनलोड नहीं हो रहा है, रिसोर्स डाउनलोड नहीं हो रहे। वो तो यार वो तब होता है जबकि गाइस हम गेम डाउनलोड कर लेते हैं, पर लेकिन किसी किसी भाई एक भाई के तो ये इस टाइप का आ जाता है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया समथिंग कुछ लिखा हुआ आ जाता है, सर्वर प्रॉब्लम आ जाता है। अब यार आप लोग सोचते होंगे कि यार मैं विदाउट वीपीएन कैसे प्ले करूँ, क्योंकि आपके जब पहले आप 1.2 वाला अपडेट था वो तो यार विदाउट वीपीएन चल जाता था, पर लेकिन 1.3 वाला जो अपडेट आया नया, इसके अंदर यार बिना वीपीएन चल नहीं रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको एकदम ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप बिना वीपीएन के भी पबजी खेल पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और मैं 100% गाइस कन्फर्म एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप विदाउट वीपीएन आपका पबजी खेल पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जो जो स्टेप्स फॉलो करूँ उनको प्लीज़ फॉलो करना, तो आपके भी पबजी एकदम मक्खन की तरह चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही पिंग हाई होगी, ना ही और कुछ होगा। तो उसके लिए प्लीज़ यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहता हूँ। और गाइज हो क्या रहा है कि बहुत सारे बंदों के यही प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ही वो अपडेट करें, अपडेट के बाद में वो भले वीपीएन लगा लें, भले प्राइवेट वीपीएन कर लें, डीएनएस लगा लें, कुछ भी लगा लें, फिर भी उनका सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के लिए अच्छी सी हेल्पफुल वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं ये सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ आपके पास। तो मैं चलता हूँ सीधी मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ आपको करना क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मैं जो जो स्टेप फॉलो करूँ उनको फॉलो करते रहना। तो चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं। ना कि अपने फाइल मैनेजर में जाना है और इंटरनल स्टोरेज में जाना है, उसके बाद में आपको एंड्रॉइड के अंदर जाना है, उसके बाद में आपको ओबीबी के अंदर जाना है। अगर ओबीबी के अंदर ये com.tencent.igके अंदर जाना है, अगर इसके अंदर आपको ये वाली फाइल दिखती है तो समझ लेना कि आपके प्रॉब्लम यहीं पर है। मतलब आपको करना क्या है, आपको अपना जो भी पबजी है वो यार आपको अनइंस्टॉल कर देना है गाइस। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे करना, मैं आपका जो पबजी है वो अनइंस्टॉल कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है उस पर टैप करके आपको मीडिया फाइल की लिंक है, तो वहाँ से आपको पबजी की वो फाइल डाउनलोड कर लेनी है जो मैंने दी है। वो डाउनलोड करने के बाद में आपको इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि गाइस सिंपल है मेथड, जो कि मैं आपको नहीं बता रहा हूँ वैसे आपको कर लेना है। वो करने के बाद में आप देख सकते हो गाइस मैंने डायरेक्ट पबजी ऑन कर लिया। गाइस मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे कर लेना, ट्रस्ट मी आपके एकदम परफेक्टली बिना वीपीएन के पबजी चलेगा। उसके बाद में आपको ऑन कर लेना है और आप देख सकते हो स्टार्ट पबजी लिखा हुआ आ गया। जैसे ही आपने मेरी फाइल को इंस्टॉल किया ना, तो कुछ इस टाइप का ही इंटरफेस आएगा जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जहाँ पर भी अगर मैंने आपको जैसे ही बताया ना, जो स्टोरेज के अंदर वो फाइल है उसको आपको डिलीट कर देना है, आपका पबजी अनइंस्टॉल कर देना है, और मैंने जो फाइल दी है उसको इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद में आप देख सकते हो यार मैंने बार बार मैं वो स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे एक भी वीपीएन ऑन नहीं है, ना ही मैंने डीएनएक्स कनेक्ट कर रखा है, फिर भी आप देख सकते हो गाइज अपडेट एकदम आराम से हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। तो आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ ये अपडेट हो रहा है तब तक कि आपको पहले अपने फाइल मैनेजर के अंदर जाके ओबीबी में जाके com.tencent वाली फाइल देखनी है। अगर आपके वहाँ दिखाती है तब आपको अपना पबजी अनइंस्टॉल कर देना है, उसी के अंदर उस फाइल में ही प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, 900 कुछ एमबी की फाइल होगी उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको एक भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, ये जो 15 MB का है ना यही इंस्टॉल आएगा, उसके अलावा कोई भी इंस्टॉल नहीं आएगा। तो वो वाली फाइल डाउनलोड कर लेना जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वो करने के बाद में क्या करना है, आपको ये 15 MB वाला अपडेट कर लेना है। जैसे ही 15 MB वाला अपडेट हो जाता है तो उसके बाद में आपको वो कुछ लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों के आता है रीस्टार्ट पबजी, जो कि आता ही है जैसे ही हमारे रिसोर्स कंप्लीट हो जाते हैं डाउनलोड, तो इस टाइप का इंटरफेस आता है, जो कि गाइस मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। मैं कट नहीं कर रहा हूँ, वरना आप सोचोगे कि मैंने एडिट किया है, ये किया वो किया, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप देख सकते हो अपडेट किया, उसके बाद में आप देख सकते हो लिखा हुआ आ गया अपडेट फिनिश, प्लीज़ रीस्टार्ट योर पबजी। तो गाइस मैं यहाँ से अपना रीस्टार्ट कर लेता हूँ पबजी में, ऊपर सर्च कर लेता हूँ क्योंकि मेरे गेम लॉन्चर के अंदर आता है पबजी, तो मैं सिंपली ऊपर सर्च कर लेता हूँ पबजी। तो ये रहा गाइस देख सकते हो, उसके बाद में मैंने वापस से पबजी पर टैप किया और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ गया। अभी आप देख सकते हो गाइस इस टाइप का इंटरफेस आ गया है और पबजी वापस से स्टार्ट हो रहा है, और कोई भी गाइस मैंने वीपीएन नहीं लगा रखा है। गाइस अगर आपके ये वाली ट्रिक वर्क ना करें तो आप मेरी वीडियो को आराम से डिसलाइक करके जा सकते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गाइस मैं एकदम रियल बता रहा हूँ आपको, एकदम रियल है। पहले मैंने ट्राई किया उसके बाद में आपको बताया। आप देख सकते हो आराम से चेकिंग हो गई है, एक्सेप्ट लिखा हुआ आ गया है, और यहाँ पे ये मेरा फेसबुक अकाउंट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे फेसबुक अकाउंट डालने के बाद में आपको बताऊँगा कि आपको आगे करना क्या है। तो गाइस आप देख सकते हो यार मेरा पबजी के अंदर मेरा फेसबुक अकाउंट लॉगिन हो गया है, उसके बाद में मैंने कंटिन्यू पर टैप करने के बाद में आप देख सकते हो लोडिंग आ गया है। मैंने इतना सा ही कट किया, जो कि गाइस मैं पासवर्ड डालता हूँ उतना ही कट किया। उसके बाद में आप देख सकते हो यार ये कंपेलिंग रिसोर्स आ गया है, इसको मैं यार फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ, अभी भी यार कोई भी मेरा वीपीएन कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो गाइस, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पे देख सकते हो आपने मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, और उसके बाद में बहुत ही जल्दी जल्दी कंपेलिंग रिसोर्स बढ़ रहा है। और गाइस जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ प्लीज़ वीडियो को कट मत करना, वैसे वैसे आप कर लेना तो आपके भी विदाउट वीपीएन चल जाएगा, जैसे मेरे चलेगा अभी आप देखना। तो गाइस
वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आप देख सकते हो यार लोडिंग का ऑप्शन आ जाएगा आपके, और उसके बाद में आप आराम से पबजी प्ले कर पाओगे और आप सीधा लोबी के अंदर होगे। गाइज मैंने कुछ भी कट करके नहीं बताया है, तो इससे आपके सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो मैप वगैरह, और देख सकते हो गाइज न्यू वर्जन आ गया है। मैं सिंपली ओके पे टैप कर देता हूँ और आप देख सकते हो गाइज पबजी आराम से चल गया है, वो भी गाइज विदाउट वीपीएन। ये भी बहुत बड़ी बात होती है यार विदाउट वीपीएन। और गाइज अगर मैं आपको सेटिंग के अंदर जाके दिखाऊं तो कोई दूसरा सर्वर भी नहीं है, जैसे यूरोप वगैरह हो जाता है तो वैसे भी नहीं। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो आप नीचे देख सकते हो यार एशिया दिखा रहा है। तो गाइज आप ऐसे आराम से मैंने जो फाइल दी है उसको आपको इंस्टॉल करना है और आराम से पबजी प्ले कर लेना है। और सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मिलते हैं अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।